बर्डवॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर व आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। बॉय लंदन मेंस वेयर दमोह शहर में पहली बार क्वालिटी से भरपूर। जींस ट्राउजर मात्र 500 रुपए, शर्ट 400 रुपए में उपलब्ध। साथ ही उपलब्ध टी शर्ट लोवर की ढेर सारी वेरायटी, वो भी किफायती दामों में। हमारा पता न्यू पूंदबहु कॉम्प्लेक्स शॉप नंबर 1 दमोह। आपने हमेशा घरों में चोरी होते, दुकानों में चोरी होते हुए सुना होगा, लेकिन पानी की चोरी, वो भी भारी मात्रा में, जिससे नगर पालिका को हजारों लाखों रुपए का चूना लग गया है। ऐसा ही एक मामला पथरिया का। पथरिया नगर परिषद द्वारा नगर के लोगों को जल सुविधा दिलाने के लिए लाख उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन पथरिया में आज एक ऐसा मामला सामने आया जो आपको चौंका सकता है। विगत दिनों पहले नगर परिषद की टीम ग्राम मासा का कला इंटेक बेल के पास एक लीकेज चेक करने के लिए गई थी। तब वहां से वापस आते समय वार्ड क्रमांक 9 के बाबूलाल पटेल उर्फ बब्बू ठेकेदार भारी मात्रा में पानी की चोरी कर एक ईंट के भट्टे का संचालक पर निगरानी की गई। नगर परिषद की टीम वहां पहुंची तो पाया गया कि पथरिया नगर की मुख्य वाटर सप्लाई की पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर उसमें अपने निजी व्यापार के लिए भारी मात्रा में जल सप्लाई में बाधा डालते हुए पानी चोरी कर खेत की सिंचाई, तालाब एवं ईंट भट्टे का निर्माण करता था। इस बात की जानकारी लगते ही नगर परिषद के कर्मचारी तत्काल सुधार किया गया, लेकिन मुख्य पाइपलाइन को फिर से लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उसके बाद पथरिया नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर परिषद एवं पथरिया तहसीलदार आलोक जैन एवं पथरिया थाना प्रभारी को सूचना देते हुए मौके पर अधिकारी पहुंचे और उन्होंने तत्काल ही इसे बंद कराकर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की। आइए सुनते हैं क्या कहना है तहसीलदार आलोक जैन का। भगवान की भी, इंद्रदेव की भी कृपा होगी तुम्हारी पर। अच्छा पानी गिरेगा इधर किस लिए आए थे? ये अभी नगर पालिका के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि वार्ड नंबर 9 में कुछ बुद्धे पटेल नाम के व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा नगर पालिका की लाइन को क्षतिग्रस्त करके काफ़ी मात्रा में पानी की चोरी करने का समझ में आया है। जिसके संबंध में जांच की गई तो देखा गया कि निश्चित रूप से पानी को क्षतिग्रस्त करके, ये आप देख सकते हैं, क्षतिग्रस्त करके यहाँ पर पानी को निकाला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है काफ़ी बड़ा तालाब भी इन्होंने बना लिया है, जहाँ पर तथाकथित रूप से जो नगर पालिका का शासकीय पानी है वह वहाँ इकट्ठा किया जा रहा है, और उसके माध्यम से ये सिंचाई वगैरह को जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से गैरकानूनी है और इसकी जाँच की जा रही है। CMO साहब इसकी जाँच करेंगे और जाँच के उपरांत जो भी निकल के आएगा वो आपको पता चलेगा। ठीक है।